अरिजात, हरिसिंगर द ऑर्नामेंट ऑफ गॉड या फिर हम बोले द नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन। आज हम इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे। ये एकमात्र ऐसा फ्लावर है जिसे जमीन से उठा के भगवान को अर्पण किया जा सकता है, क्योंकि हिंदू पुराणिक ग्रंथ और धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि ये वृक्ष देव इंद्र के यहाँ पाया जाता था, लेकिन ये कहानी हम कभी और जानेंगे। आज हम इस नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन की द रियल कहानी जानेंगे। पुराने ग्रंथों के हिसाब से कहा जाता है कि एक धरती की प्रिंसेस पाई जाती है जिन्हें सूर्य देव से प्यार हो गया था। ऐसा ऐसा प्यार नहीं, पूरे दिल से और पूरी आत्मा से प्यार हुआ था, जिसके विवश होकर सूर्य देव को भी धरती पे आना पड़ा। लेकिन जैसे जेठ और आषाढ़ का महीना आया, सूर्यदेव का तेज बढ़ने लगा और उन्हें वापस हेवन की ओर लौटना पड़ा। लेकिन प्रिंसेस पारिजात नहीं मानी और उन्होंने सूर्यदेव का पीछा किया। सूर्यदेव का तेज इतना ज्यादा था कि वो सूर्यदेव के तेज से जल गई और राख हो गई। इसके बाद सूर्यदेव देवों के पास मदद के लिए पहुंचे। देव भी पारिजात की इस प्रेम भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक दूसरा जन्म दिया। लेकिन इस बार एक वृक्ष के रूप, जिसके फूल पूरी तरीके से सफेद होते हैं लेकिन उसके बीच में लाल कलर होता है जो सूर्य से उनके प्रेम को दर्शाता है। ये पुष्प रात में खिलते हैं और काफी सुगंधित हैं। लेकिन सूर्यदेव की पहली किरण आते ही सारे के सारे पुष्प गिर जाते हैं। मानो सूर्यदेव के स्वागत में अपना प्रेम दर्शा रहे हूँ।